स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। फिल्म बंटी और बबली 2 के फैंस का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी का क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और सूर्यवंशी अभी भी लगातार कमाई में जुटी हुई है। अक्षय कुमार की फिल्म अभी तक ताबड़तोड़ कमाई कर रही थी। फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। दिवाली के एक दिन बाद रिलीज हुई अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म को खूब मुनाफा मिला और फिल्म हिट हो गई। वहीं दो हफ्ते के बीच कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, जिसका सीधा सीधा फायदा अक्षय कुमार को हुआ। अब तीसरे हफ्ते में बंटी और बबली 2 की एंट्री हो चुकी है, तो इसका कुछ तो असर सूर्यवंशी फिल्म पर जरूर पड़ेगा और इसकी कमाई पर भी। फिल्म क्रिएट एनालिस्ट का कहना है कि बंटी और बबली फर्स्ट डे शानदार ओपनिंग कर सकता है। रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की फिल्म अपने पहले दिन में 4 से 5 करोड़ के साथ खाता खोल सकती है। हालांकि अभी फिल्म के रिव्यूज आने बाकी हैं। अभिनेता अली फजल अपनी आने वाली फिल्म की पहली झलक जारी कर चुके हैं, जिसका निर्देशन आरती कदफ करेंगी। अली ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर फिल्म के पोस्टर की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वो अंतरिक्ष यात्री की वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता ने कहा कि उनकी आने वाली फिल्म का विषय ऐसा है जिस पर अभी तक कोई भी फिल्म नहीं बनाई गई है और वो इसे दर्शकों के सामने लाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। अली ने कहा, हमने एक बहुत बड़े विषय को लेकर फिल्म के जरिए समेटने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। इस फिल्म के शीर्षक की घोषणा अभी तक नहीं की गई है और ये अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी विषय पर आधारित होगी। राजकुमार राव और पत्रलेखा शादी के बंधन में बन चुके हैं। 11 साल से रिलेशनशिप में रहने वाले कपल ने 15 नवंबर को चंडीगढ़ में शादी रचाई थी। सोशल मीडिया पर राजकुमार और पत्रलेखा की ढेरों रोमांटिक फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं। शादी के बाद राजकुमार और पत्रलेखा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ में शादी संपन्न करने के बाद कपल मुंबई वापस लौटा। ऐसे में राजकुमार और पत्रलेखा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। राजकुमार और पत्रलेखा शादी के बाद पहली बार साथ में नजर आए। ऐसे में पेपराजी भी उनका इंतजार कर रहे थे। कपल के सामने आते ही फोटोग्राफर्स पत्रलेखा को भाभी जी कहकर पुकारने लगे। ये सुनते ही राजकुमार राव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं पत्रलेखा भी शर्माती हुई नजर आई। अपने लिए भाभी जी सुनते ही पत्रलेखा राजकुमार को देखने लगी और फिर धीरे से राजकुमार को कहने लगी, भाभी जी कह रहे हैं। कपल की केमिस्ट्री को देखकर राजकुमार के फैंस उन्हें शादी की बधाइयां देते नजर आए। रणवीर सिंह को लेकर रोहित शेट्टी सर्कस नाम की जो फिल्म बना रहे हैं, इन दिनों उसके बारे में सफाई दे रहे हैं। शेट्टी का कहना है कि सर्कस संजीव कुमार और देवेन वर्मा की दोहरी भूमिका वाली फिल्म अंगूर की रीमेक नहीं है। अभी तक यही सुनने में मिल रहा था कि सर्कस में रणवीर सिंह और वरुण शर्मा की वैसी ही दोहरी भूमिकाएं हैं जैसे संजीव कुमार और देवेन वर्मा की थी। मगर सूर्यवंशी के प्रचार के दौरान रोहित ने साफ किया कि उनकी फिल्म अंगूर की रीमेक नहीं है, बल्कि शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर से प्रभावित है, जिस पर फिल्म 2 दुनी 4 जैसी फिल्में बॉलीवुड में बन चुकी हैं। रोहित का कहना है कि उनकी फिल्म सर्कस संजीव कुमार की फिल्म अंगूर से बहुत अलग होगी। आयुष्मान खुराना, जो हमेशा से ही अपनी फिल्मों में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, जल्दी ही चंडीगढ़ करे आशिकी में रोमांस करते नजर आएंगे। फिल्म के लिए आयुष्मान ने खासतौर पर अपना वजन बढ़ाया है। करण जौहर भी दर्शकों की रुचि समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने कोरोना काल के दौरान रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को लेकर अपनी नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी शुरू की। चूंकि दर्शक रोमांस ही नहीं रोमांच भी चाहते हैं, इसलिए सूर्यवंशी की रिलीज के बाद अब निर्देशक रोहित शेट्टी का सारा ध्यान अपनी हिट एक्शन फिल्म सिंघम पर लगा है। वो इसकी तीसरी किश्त दर्शकों के सामने लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो रोहित इस बार अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की तिगड़ी को सिंघम 3 में पेश करेंगे। बदलाव जल्दी स्वीकार नहीं किए जाते, उन्हें समय की आग में तपना पड़ता है। कोरोना काल 2020 में ओटीटी का प्रचलन बढ़ा है। नामी सितारों की भारी भरकम बजट वाली फिल्में जब लोगों ने घर में बैठकर देखनी शुरू की, तो इस कारोबार के जानकारों ने भविष्यवाणी शुरू कर दी थी कि अब सिनेमाघरों के दिन लद गए।
आदित्य चोपड़ा जैसे कुछ एक प्रतिष्ठित निर्माता थे जिन्होंने आकर्षक प्रस्तावों के बाद भी अपनी फिल्में सिनेमाघरों में नहीं चलाई, सिनेमाघरों में ही चलाई मगर ओटीटी को नहीं दी। आज वही आदित्य चोपड़ा ओटीटी में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, मतलब बॉलीवुड ने ओटीटी को अपना लिया है। इस तरह मात्र 2 साल में ओटीटी को लेकर बॉलीवुड का रवैया बदला हुआ नजर आ रहा है। अब सिनेमाघर भी चल रहे हैं और इसके साथ साथ लोग ओटीटी पर भी फिल्में देख रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।